प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज सनातन धर्म रामलीला मैदान में जिस तरह जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह के आदेशानुसार नगर मजिस्ट्रेट ने रामलीला मैदान में बने योगीराज भगवान श्री कृष्ण यादव सेवा समिति एवं अयोध्या को चिटफंड समिति के दस्तावेज गलत मिलने से सील किया गया था, मगर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज जिलाधिकारी के आदेशानुसार नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए नायब तहसीलदार द्वारा रामलीला मैदान में पहुंचकर अयोध्या में लगे श्री तालों को खोल दिया गया। वहीं रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष MLC डॉ. दिलीप यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि झूठे लगाए गए आरोपों पर रामलीला में बने श्री राम अयोध्या के ताले लगवाए गए थे, मगर आज उच्च न्यायालय के आदेशों को मानते हुए नगर मजिस्ट्रेट कुमार पंकज सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को मानते हुए तत्काल नायब तहसीलदार रवि सोनकर को ताले खोलने के दिए आदेश। वहीं नायब तहसीलदार रवि सोनकर ने बताया कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी के आदेशों पर रामलीला मैदान में बने भावलाल भवनों में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा ताले लगाए गए थे। वह हमें आज नगर मजिस्ट्रेट कुमार पंकज सिंह द्वारा बताया गया कि रामलीला मैदान में बने भवनों के ताले 10 बजे तक खुलवा दिए जाएं। वहीं मेला सचिव RP सिंह यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो आरोप किसी अराजक तत्वों द्वारा चिटफंड बताकर सील कर दिया गया था, उसी को आज उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए रामलीला में बने भवनों को सीज किए हुए तालों को खुलवा दिया जाए। वहीं श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष MLC डॉ. दिलीप यादव, सचिव RP सिंह यादव, उमेश यादव, अभी श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। पहले कई बार की है, लेकिन जिनके घेरे हुए हैं वो लोग, वो उल्टी गलत तरीके से शिकायत करते हैं। वो रामलीला महोत्सव समिति को ही दोषी ठहराने का काम करते हैं, जबकि महोत्सव समिति प्रत्येक वर्ष अच्छा आयोजन कराती है, लेखा जोखा रखती है। हम कहते हैं कोई किसी एजेंसी से जांच करा लो, कौन दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन जो जमीन सरकारी घेरे हुए हैं, अब सरकारी मानते हम इसीलिए हैं क्योंकि उनने दान में दी है रामलीला आयोजन के लिए। रामलीला सबके भाव की आध्यात्मिक पार्ट है, तो सबकी जमीन एक सार्वजनिक है, तो इसमें हम मानते हैं वो जमीन इनसे मुक्त कराने के लिए प्रयास किया। जी बाबूजी, रामलीला मैदान में आज ताले की सील खुली हुई है, और कुछ दिन पहले DM के आदेशानुसार नगर मजिस्ट्रेट ने इस तालों को सील दिया था चिटफंड बना करके। आज क्या ऐसा मामला और हाईकोर्ट से किस तरह का आदेश? आप लोग देख रहे हैं कि आज बड़ा खुशी का माहौल है, संस्था समिति को भी बहुत खुशी हुई है, लेकिन तकलीफ ये होती है कि प्रशासन सभ्य व्यक्ति की बात नहीं सुनता है, और उन्हीं व्यक्तियों की बात को महत्व देता है जो लफंगे लुटेरे दलाल टाइप के होते हैं। इस रामलीला प्रकरण में कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि बिल्डिंग को सील किया जाए, लेकिन हनुमान ट्रस्ट और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जिलाधिकारी के पीछे पड़े, और जो ज़मीन 1875 से रामलीला के अधीन हैं, जमीन दानदाताओं ने आज तक कभी क्लेम नहीं किया कि ज़मीन हमारी खाली कराई जाए। उन मुसलमानों ने आज तक ज़मीन नहीं मांगी है। 1875-80 के दशक में रामलीला को दान में दी हुई थी, और रामलीला का आयोजन 1875-80 के दशक से इसी ज़मीन पर होता चला रहा है, लेकिन अवांछित तत्वों ने, स्वार्थी तत्वों ने, भूमाफियाओं ने शिकायत करते हुए इस ज़मीन को खाली कराने के लिए उस पर हमारे जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ने गौर न बयान वैधानिक गौर न करते हुए आदेश पारित कर दिए कि ज़मीन सरकारी है। सरकारी ज़मीन आदेश पारित होने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार चिटफंड सोसाइटी आगरा को जिलाधिकारी फिरोजाबाद ने, नगर मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ने, आयुक्त आगरा मंडल आगरा ने चिट्ठियाँ लिखीं कि संस्था का पंजीकरण रद्द किया जाए, कि जो ज़मीन इनके नाम नहीं है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने हमारी संस्था का पंजीकरण रद्द कर दिया। उसके उपरांत सिटी मजिस्ट्रेट ने कुछ उन्हीं व्यक्तियों की शिकायत के आधार पर इस बिल्डिंग को सील किया था। हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ 6-7 व्यक्तियों ने शिकायत की है कि आप वहाँ से कीमती सामान चोरी कर सकते हैं, करा सकते हैं। हमने उन्हें जवाब दिया कि यदि हमारी चोरी की नियत होती तो हम इतना बड़ा निर्माण क्यों कराते, इतना अच्छा सामान क्यों लगाते, हम पैसे की चोरी करते रहते, लेकिन नहीं हो गया। तो मजबूर हो गए, हमें माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उच्च न्यायालय में हमने जिलाधिकारी, कमिश्नर, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त और हनुमान ट्रस्ट, इनको सबको पार्टी बनाते हुए अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिए कि जो सिटी मजिस्ट्रेट के 25 अगस्त 2020 के आदेश, 14 अगस्त 2020 के आयुक्त चिटफंड सोसाइटी के आदेश को
ये बलहीन मानते हुए ये कह दिया कि इन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए और इन्हें कब्जा दिया जाए। उस आदेश की छाया प्रति हमने नगर मजिस्ट्रेट को अपना प्रार्थना पत्र संलग्न करते हुए कल दोपहर 12:30 दिया था। नगर मजिस्ट्रेट ने क्विकली डिसीजन लेते हुए 1 घंटे में हमें लेटर भेज दिया कि आपकी सील को तहसीलदार फौजाबाद के द्वारा आपके सामने खुलवाया जाएगा। तो तहसीलदार बिजी होने के कारण नहीं आ पाए। उन्होंने नायब तहसीलदार सोनकर साहब को हमारे यहाँ भेजा और उन्होंने कमेटी की उपस्थिति में सीलों को तोड़ते हुए खोला। जो आपकी चिटफंड बताया था समिति को, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? चिटफंड सोसाइटी के खिलाफ हमने अब मंडे को जाके सोमवार को जाके उन्हें भी आदेश की प्रति मुहैया करा दी जाएगी। उसके बाद वो अपना जो आदेश था संस्था समिति का पंजीकरण निरस्त करने का वो वापस लेंगे और हमारी कमेटी को मान्यता दे देंगे। इनसे अब हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह में 1.5 माह में काउंटर एफिडेविट मांगे हैं, उसका हम जवाब 2 सप्ताह के बाद देंगे। उसके बाद ये हीरन 10-20 साल तक चलेगी चलती जाएगी। पूर्व में इसमें रजिस्ट्रेशन